हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज के दिन की शुरुआत हो रही है एक चाय के कप से। ये चाय का कप बन रहा है मेरी सासू माँ के लिए सुबह सुबह। और यहाँ पे लगा दिया हमने दूध बिलोना, यहाँ पे निकलेगा मक्खन। ये देखो, ये निकलेगा मक्खन। कौन कौन सुबह उठकर चाय पीता है कमेंट में ज़रूर बताएं। और कैसे पीते हो, खाली पेट पीते हो या फिर कुछ खाना पीना साथ में लेते हो? ये लो सासू माँ चाय। आज हमारे घर पे मिस्त्री भी नहीं आएंगे, तो हमने सोचा क्यों ना सारे कपड़े धो लिए जाए। आज धुलेंगी, पूरी लॉन्ड्री हो जाएगी यहाँ पे। पहले हम लोग एक ऑटोमेटिक में डालते थे, एक इसमें, तो जल्दी धुल जाते थे। आज हमें सारे इसमें धोने हैं, तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है। साथ साथ में बाकी काम होंगे, अब ये होंगे। अब इसमें मैंने डाल दिया ठंडा पानी और ये लगा दिया है जब तक। अब ये बिलोया जाएगा, इसे कहते हैं बिलोना मेथड। और इससे निकलता है सही घी। देखा, ठंडा पानी डाल दे, कितने जल्दी घी आ गया। ये पूरा मक्खन है, अब हम इसे निकालेंगे, रोटियों पे रख रख के खाएंगे। वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। आप सभी का दोबारा से स्वागत है इस छोटे से प्यार से ब्लॉग में। अब तक जैसा कि आपने देखा कि हमने सुबह उठने के बाद छोटे मोटे जो काम होते हैं वो किए हैं, और आज हम अपने दिन की शुरुआत करने वाले हैं इन्हीं छोटे मोटे कामों से, जैसा कि सभी करते हैं। और आप लोग भी कमेंट में बताओ कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हो, कमेंट ज़रूर करो, क्योंकि आप लोग करते नहीं हो। मुझे भी अच्छा लगेगा कि हमारी ऑडियंस कैसे शुरुआत करती है, हम कैसे करते हैं, किसी से कुछ सीखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए तो अभी हम लोग कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, कोई योगा नहीं कर रहे हैं, कोई वॉक भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि लिटरली हम इतना थक जाते हैं ना जब जाते हैं मिस्त्री। तो कल मिस्त्री जा चुके हैं कम्प्लीटली, बट अभी जो काम बचा है वो टाइल्स का बचा है, और वो आएंगे शायद सेप्टेम्बर में या मिड सेप्टेम्बर में। तो तब तक के लिए काम होल्ड है, और उस तक जब तक के लिए जो भी अपडेट है वो मैं आपको दिन में आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी। फिलहाल के लिए तो हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और अभी मैंने बेडिंग कर दिया है, बेडिंग किया है, घी निकाला है, और अभी कपड़े धोने हैं। कपड़े धोने के बाद नहा धो के फ्रेश होके हम मिलेंगे आपको ब्रेकफास्ट पर। आज हमारे मिस्त्री तो आए नहीं, हमारा एक पत्थर ख़राब हो रखा था। अगर ये साफ़ नहीं हुआ तो हमें लगा ये निकलवा के नया लगवाना पड़ेगा। लेकिन कल एक फिनाइल वाला है, उसने हमें दावा किया कि ये साफ़ हो जाएगा। और अभी हमने इसमें दो मिक्सचर मिला लिए, दो बोतल थी, एक पिंक एक रेड, दोनों को मिला के अब लगाया है। देखते हैं, कल उसने तो 2 मिनट में कर दिया था, है ना। आज मिस्त्री आए नहीं तो हम ही मिस्त्री बन गए इसे साफ करने के। वो तो रहा है, इस पे तो मेरे को लग रहा है उसकी तरह डायरेक्ट ही गिरना था, जैसे कल उसने डायरेक्ट गिरा था। इस पे इन्वर्टर की बैटरी का तेजाब गिर गया था, तो इसलिए ये पत्थर ऐसा पीला पीला हो गया। अगर ये साफ नहीं होता हमें निकलवाना पड़ता, और उससे हमारा कंस्ट्रक्शन का काम और आगे बढ़ जाता। तो अभी हम लोगों ने सोचा है कि शायद इस लिक्विड से साफ ही हो जाए। ये है बिफोर आफ्टर, आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। तो अब देखिए, ये है आफ्टर, वो था बिफोर। पत्थर काफ़ी हद तक साफ हो गया है, वीडियो में पता नहीं क्यों गंदा लग रहा है, बट हमें पता रियलिटी में पूरा पीला था, अब ये थोड़ा वाइट हो चुका है। हाँ, और अभी हमने क्या है ना, अभी लिक्विड सही से साफ नहीं हुआ है। देखो अब सही साफ हो रहा है साफ पानी से। और यहाँ पे अभी थोड़ा पेंट पुंट होएगा तो अच्छी हो जाएगी दीवारें। यहाँ पे एक्चुअली रेंट वालों का जो इन्वर्टर था वो रखा था, और उसकी बैटरी से जो पूरा एसिड था, तेजाब था, वो निकल गया, जिसकी वजह से ये पत्थर पूरा येल्लो था। काफ़ी हद तक साफ हो गया है ना, बहुत हो गया। तो ये है फाइनल लुक, बिकॉज हमने तब भी और भी रह गया था, तो हमने सोचा डायरेक्ट ये डाल के 10-15 मिनट बाद साफ करेंगे। हमने इसे एटलीस्ट आधे घंटे बाद साफ किया, और ये देखो काफ़ी हद तक सही हो गया। ये देखो,
यहाँ तो पूरा ही हो गया क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट गिरा था, यहाँ पे वो बह बह कर आया था। तो यहाँ तक देखो, यहाँ पे पूरा साफ क्लीन हो गया है। और जो ये जादुई चीज़ थी वो ये है, ये कल हमने ली थी 150 रुपीज़ की, एक थी 150, तो दो बोतलें ली थी। और एक ढक्कन इसका डालना होता है, एक ढक्कन इसका, और पत्थर यूँ चमक जाता है। वैसे तो अभी हमारा पत्थर दो तीन जगह से और काला है, उसको भी हम साफ़ करेंगे, बट वो अभी नहीं करेंगे क्योंकि अब बज गए हैं दोपहर के 12 और इसकी वजह से बहुत धूप आ गई है, तो अभी हमें यहाँ का साफ़ करना था, लेकिन अभी हम वो साफ़ नहीं करेंगे। अब हम वो साफ़ करेंगे थोड़ी देर बाद, या तो शाम को या फिर कल। बना रही हूँ लाल मिर्च और लहसुन की चटनी है, किस किस ने खाई है मुझे बताना। वैसे मैं तो खाती नहीं हूँ लाल मिर्च, और ना ही मैं अपने लिए बना रही हूँ। एक्चुअली एक वीडियो में देखते देखते आज सुबह सासू मैंने कहा कि मेरा तो ये खाने का मन कर रहा है, और अभी मैंने पूछा कि डिनर में क्या बनाए, तो उन्होंने बोला जो मर्जी हो, मेरे को बस दो रोटी दे दिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये वाली चटनी दी जाए उन्हें, और उनका रिएक्शन क्या रहता है देखते, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। जनरली या तो नवदीप बनाता था या फिर सासू माँ, क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ तो मैं बनाती भी नहीं हूँ, इसलिए तो मैं ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। अभी मैंने इसमें लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, लहसुन ये सब डाला है, और एंड में देखते हैं कैसी बनती है। ये चटनी बनके तैयार है। इसमें मैंने डाली अब कसूरी मेथी, नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और कचरी। ये हमने कचरी सुखा के पीस ली थी, और मैंने थोड़ा सा ये डाला, इससे खट्टापन आ जाएगा। और इसे अब मैं निकाल के रख लेती हूँ और गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करूँगी। मैंने खाना लगा दिया। एक्चुअली आज मैंने सरप्राइज़ बनाया, बिकॉज़ आज वो सब सुबह एक वीडियो देख रहे थे, तो उन्होंने बोला मेरा खाने का मन है, इसलिए मैंने बनाई है ये चटनी। मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ उन्हें सुन ना जाए। और मैंने बना दिया गरम गरम दो रोटी। अब हम रोटी रखेंगे, दूध का कटोरा साथ में ये, और बाद में लेके जाऊंगी घी, क्योंकि घी अभी गर्म है। थाली आज तैयार है, ये आज हमारे डिनर में। ले लो आपका डिनर, ले लो। सो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। बीच बीच में बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मैं शूट करना भूल गई, क्योंकि बीच में ऑफिस होता है तो हर चीज़ शूट नहीं हो पाती, और कुछ कुछ चीज़ें मैं भूल जाती हूँ। बट मुझे जब याद आता है कि हाँ मैं व्लॉग एक कंटिन्यू कर रही हूँ, तो मैं वो शूट कर देती हूँ। आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ कि हाँ डेली व्लॉगिंग कैसे करनी है और इसको कॉन्टिन्यूटी में कैसे लाना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें, और अपने लिए दिन में 10 मिनट ज़रूर निकालें।